नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो उन सभी कॉलेजेस की बात करेंगे जिसमें जो है आपकी पीजी एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आपका एमकॉम, एमए, एमएससी जो है वो रहेगा। उसी के साथ ही आज हम लोग कुछ एक जो एचपीयू के पीजी और यूजी के रिजल्ट वो अनाउंस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो हम लोग एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला की जो भी पीजी एडमिशन्स थी उन पे एक बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है वो हम लोग यहाँ पे एचपीयू ने एक डेट शीट जो है वो आज रिलीज़ करी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम उन कॉलेजेस की बात करें जहाँ पे जो है वो पीजी की एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला है वहाँ पे आपकी एमए इंग्लिश, एमए ज्योग्राफी, एमएससी केमिस्ट्री की जो पीजी में एडमिशन्स की डेट है वो यहाँ पे 30 जुलाई तक जो है वो एक्सटेंड हो गई है। तो आप यहाँ पे 30 जुलाई तक जो है वो आप यहाँ पे एमए इंग्लिश, आपका एमए ज्योग्राफी, एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो है वो आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका डीएवी कॉलेज कांगड़ा की बात करें तो आपका यहाँ पे जो है वो एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथ, एमकॉम और एमए इंग्लिश के लिए जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो ओपन हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे इनके ऑनलाइन माध्यम से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि जो वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट 2022-23 के लिए डीएवी कांगड़ा का, तो आप इस लिंक पे जाके जो है वो यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हो। और यहाँ पे आप इन पीजी कोर्सेज जिसमें आपका एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमकॉम, एमए इंग्लिश और पीजीडीसीए के लिए यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी की, तो यहाँ भी आप लोग जो है वो एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, इसी के साथ आप एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स, आपका एमएससी मैथ, एमकॉम और उसी के साथ जो है वो आप इन सभी सब्जेक्ट में जो है वो एडमिशन्स के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो ये डिटेल रही आपकी वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ढलियारा जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है उसकी बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए जो एडमिशन सब ओपन हो गई है, जिसमें आपका पीजीडीसीए रहेगा, उसी के साथ इसमें आपका एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री की यहाँ पे डेट आप भी देख सकते हो स्क्रीन पे जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की रहेगी, ठीक है। इसी के साथ आपका एमकॉम, यहाँ पे आपका एमबीए, आपका एमए हिंदी, इसी के साथ जो वो आपका एमए इंग्लिश के लिए जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका कॉलेज डिग्री कॉलेज ढलियारा है वहाँ भी आप यहाँ पे पीजी के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज जो कि आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर है उसकी यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन्स की बात करें कि आपकी पीजी एडमिशन्स यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे पीजी के लिए फॉर्म है, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे जस्ट अभी जो है पीजीडीसीए के लिए ही अप्लाई हो रहा है। तो आपका जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर है वहाँ पे जस्ट अभी पीजीडीसीए के लिए ही एडमिशन्स ओपन हुई आपका पीजी कोर्सेज में, बाकी पीजी कोर्सेज की यहाँ पे एडमिशन जो ओपन नहीं हुई है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली शिमला में है उसकी बात करें तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी जो है वो जस्ट यूजी की एडमिशन से ही स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ एक कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी पीजी की एडमिशन स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन कुछ एक कॉलेजेस हैं जहाँ पे अभी एडमिशन्स स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे आपके मैंने आपके 2-3 कॉलेजेस बता दिए जहाँ पे अभी पीजी की एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप वहाँ पे जो है वो
पीजी कोर्सेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आपका जो HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला है वहाँ पे जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट 20 जुलाई थी वो अब एक्सटेंड होके जो अब 26 जुलाई हो गई है। तो आप जो है वो HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला में 26 जुलाई तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका MA संस्कृत, MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, आपका यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स, MA आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MCOM, MSc मैथ, MBA आपका यहाँ पे, MCA, LLB के लिए जो एडमिशन थी वो अब उनके लिए आप जो है वो 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ जो है वो आप यहाँ पे MSc जियोलॉजी के लिए और PGDCA के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के जो बाकी कोर्सेज हैं, जैसे इसमें आपका मैंने अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें MA हिंदी, आपका संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MCOM, आपका MSc मैथ, MBA और MCA है, उसमें जो आपके HPU में एंट्रांस टेस्ट हुआ था उसके बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलेगी। उसी के साथ जो आपका MSc जियोलॉजी है और आपका PGDCA है वो आपको यहाँ पे आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो जियोलॉजी और PGDCA के लिए मेरिट बेस पे और जो आपके बाकी कोर्सेज बचे उन पे यहाँ पे एंट्रांस एग्ज़ाम के बेस पे जो है वो एडमिशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला है वहाँ भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो अब एक्सटेंड होके 26 जुलाई 2022 हो गई है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे HPU रिजल्ट्स की बात करें तो कल जो है वो BSc फाइनल का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो गया है। उसी के साथ जो है अब आपका सिर्फ BA फाइनल का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो रह गया है, तो उनका रिजल्ट भी यहाँ पे आपको विद इन 2-3 डेज में देखने को जो है वो मिल सकता है। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे HPU ने MA हिस्ट्री 4th सेमेस्टर, MA हिस्ट्री 2nd सेमेस्टर, MA हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर और MA हिस्ट्री 1st सेमेस्टर का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया है। इसके साथ अभी जस्ट आपके पुराने ही रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुए, जिसमें आपका MA इकोनॉमिक्स के सभी सेमेस्टर रहते थे, आपका बॉटनी का यहाँ पे MSc बॉटनी का रिजल्ट था, MSc केमिस्ट्री, उसके साथ आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, आपका MSc मैथ, आपका MCOM का रिजल्ट तो जो था वो अनाउंस हुए हैं, जो अभी सिर्फ पुराने रिजल्ट है। और नए रिजल्ट में यहाँ पे कल जस्ट आपका BSc फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है और उसी के साथ आपका यहाँ पे MA हिस्ट्री जो है उसके सभी सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस जो है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे डेट शीट की बात करें तो आज जो है वो HPU ने आपकी यहाँ पे MBA 2nd एंड 4th और आपकी 1st और 3rd जो आपका रिपेयर के एग्जामिनेशन थी उनकी यहाँ पे डेट शीट जो है वो रिलीज़ करी है। तो ये डेट शीट जो है वो पहले भी रिलीज़ हो गई थी, लेकिन अभी ये डेट शीट जो है वो रिवाइज्ड होके आपके पास जो है वो आई है, जिसमें जो है वो डेट्स में कुछ एक चेंज जो हैं वो हुए हैं। बाकी यहाँ पे आपके पोस्ट कल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका PGDCA है उसकी डेट शीट यहाँ पे आई है। उसी के साथ आपका MA एजुकेशन की डेट शीट यहाँ पे रिलीज जो है वो कल हुई है। उसी के साथ जो वो पहले वाली जो भी डेट शीट थी वो एज इट इज ही रही हैं, पर जस्ट यहाँ पे आपका जो MBA था जिसमें आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर था उसकी डेट यहाँ पे सीट जो है वो रिवाइज होके आई हुई है, जिसको जो है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 2nd और 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है, 4th सेमेस्टर के यहाँ पे 30 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 2nd के यहाँ पे 1 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होंगे। तो 2nd और 4th के एग्ज़ाम यहाँ पे 20 अगस्त तक चलेंगे और आपके जो 1st सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो यहाँ पे 22 से और जो आपके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो 24 से यहाँ पे स्टार्ट जो हैं वो होंगे। तो यहाँ पे जो 1st और 3rd ईयर के जो अभी रेगुलर या स्टूडेंट हैं या जो जिनका भी 1st ईयर है जिनका रीअपेयर नहीं है, उनके लिए भी ये 1st और 3rd सेमेस्टर की डेट शीट एज इट इज ही रहेगी। तो आप यहाँ पे ऐसा मत मान लेना कि ये जस्ट अभी जो है वो रीअपेयर के लिए या आपके रेगुलर 1st और 3rd रेगुलर के लिए भी ये सेम डेट शीट जो है वो रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ एक अपडेट्स।
एडमिशन से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर भी आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।